क्लब महिंद्रा मुन्नार है और ये है हमारा रूम 1130, जहाँ एंट्रेंस में ही आप देख सकते हैं एक इसी चेयर रखा हुआ है और एक सोफ़ा कम बेड है, जहाँ अगर छोटे छोटे दो बच्चे हैं वहाँ आराम से लेट सकते हैं और उनके सामने एक टीवी भी है, दे कैन एन्जॉय। एंड उसके सामने एक डाइनिंग एरिया है जहाँ आप रूम में खाना मंगवा के खा सकते हो, और इसके अलावा एक बेडरूम है और आप साथ में एक वाइट कलर का कुछ देख रहे हैं जो रूम हीटर है। बेड है, मिरर है और ये देखिए ये है बालकनी, जहाँ अब आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से आपका, और ये अर्ली इन द मॉर्निंग आप यहाँ बैठ के चाय का लुफ्त उठा सकते हैं, गर्मा गर्म चाय। इसके अलावा ये है ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम उस तरफ है, बाथरूम, एक अलमारी भी दे रखी है, काफ़ी स्पेशियस है और अलमारी के अंदर सेफ है। इसके अलावा ये है काफ़ी अच्छा किचन, जहाँ पे माइक्रोवेव है, फ्रिज है और कैबिनेट्स में प्लेट्स वगैरह सब रखे हुए हैं और चाय बनाने की सारी सामग्री भी रखी हुई है। बस ये था रूम का नज़ारा। अभी थोड़ी देर में हम बाहर निकलेंगे तो आपको मैं मुन्नार का आउटसाइड व्यू भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए वेट करिए, टिल देन बाय बाय। अभी जो जो बोर्ड में लिखा था उस तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। सीढ़ियों से मैं चढ़ रही हूँ महिंद्रा हॉलीडे वर्ल्ड। ओके, ये रूम है ऑफिस। ओके, मैं काफ़ी नीचे से सीढ़ियों से ऊपर आई हूँ। अभी ये है पुट पुट गोल्फ। यहाँ काफ़ी हाइट्स पे काफ़ी सारे रूम्स हैं, सो आप देख सकते हो। मैं काफ़ी नीचे से आ रही हूँ, दीज आर द स्टेयर्स। बहुत सारी जगह से स्टेयर्स है, यहाँ से भी हैं, इस तरफ से भी हैं, रूम्स भी हैं। ओके, और अभी हम पुट पुट गोल्फ में देखते हैं क्या है। आई डोंट नो, पुट पुट गोल्फ वेरी नाइस, दीज आर द, ये है पुट गोल्फ, तुम देख सकते हो। ये प्लेस काफ़ी हिल में है इसलिए इट्स वेरी टायरिंग। जिनको सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं है ना, वो थोड़े में थक जाएंगे। अभी मैं और ऊपर जाऊंगी, देख के आती हूँ ऊपर तक क्या है, कुछ अच्छा दिखा तो आई विल गेट बैक टू यू। ऊपर तक आ गई हूँ एंड यहाँ भी ये जो रोड है, ये ऊपर तक आने के लिए गाड़ियों से इस रोड को बनाया गया है, तो मैं तो सीढ़ियों से आ रही हूँ। जो भी टूरिस्ट हैं वो इस गाड़ी से आते हैं, मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। ये वाली गाड़ी ऊपर लेके आती है जो भी रिजॉर्ट में टूरिस्ट आ रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे काफ़ी ऊपर तक रूम्स हैं, बहुत ज़्यादा एरिया लेके। अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे बच्चों का एक्टिविटी एरिया है, आउटडोर एक्टिविटी। शायद उस एरिया में कुछ रिनोवेशन चल रहा है, आई डोंट नो, बट
आपको बोर्ड दिखा देती हूँ, और ऊपर कुछ हैंगिंग रोप्स हैं। यू कैन सी एडवेंचर एक्टिविटीज। नाउ मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ देखने के लिए और क्या क्या है यहाँ पे। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा, और यहाँ कोई एक्टिविटी चल भी नहीं रही है फिलहाल, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर ट्री हाउस है। ट्री हाउस आते ही मैं फिर आपको शो करूँगी, तब तक के लिए बाय। ये मैं जो बोल रही थी ट्री हाउस, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको आई थिंक आपको ठीक तरह से सामने से ही दिखेगा, मैं सीढ़ियों से उतर के दूसरी तरफ जा रही हूँ ट्री हाउस की तरफ। देन आई विल शो इट फ्रॉम देयर। एक्चुअली ये जगह ओल्ड पीपल के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, दे कांट क्लाइम, इतने सारे स्टेयर्स हैं। माई गॉड, मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ओल्ड पीपल के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। सो यहाँ आने से पहले आपकी कोई हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि है तो आपको डेफिनेटली सीढ़ियाँ उतरने में चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, वरना दवाइयाँ खा के तो सीढ़ी चढ़ सकते हो। देखिए मैं ट्री हाउस में आ चुकी हूँ, ये दिस इज द एरिया। काफ़ी नीचे से आ रही हूँ इसलिए मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है। ये देखिए यहाँ से नज़ारा, यहाँ पे कि आप रात में भी बैठ सकते हो, लैंप्स वगैरह लगी हुई है, एंजॉय कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, आई थिंक चढ़ते उतरते लोग थक जाते हैं, इसीलिए यहाँ मैंने देखा ज़्यादातर सब लोग खाना खाते हैं और टैक्सी लेके बाहर घूमने चले जाते हैं। टैक्सी चार्जेस यहाँ जो लोकल टैक्सीज हैं, बाहर आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, आप वहाँ से घूमने चले जाएं और आकर खाना खाए और सो जाए। यही यहाँ का सबसे मज़ेदार चीज़ है, नहीं तो आप सीढ़ी उतरते चढ़ते काफ़ी टायर्ड हो जाओगे, इसलिए रूम से गाड़ी करें, रूम तक आ जाती है। क्लब महिंद्रा ने ये फैसिलिटी दे रखी है, रूम तक गाड़ियाँ आ जाती हैं, उसके बाद आप नीचे तक चले जाए। रिसेप्शन के वहीं डाइनिंग एरिया है, वहाँ जाकर खाना खाए और रूम में आए, रूम में ना आकर वहाँ से टैक्सी ले, लोकल टैक्सी, घूम घाम के 2-3 घंटे या शाम तक का जो भी टूर पैकेज है वो वही लोकल ड्राइवर्स बता देंगे, वो लेके आप घूमाएं। और यही है बस मुन्नार, आई थिंक 2-3 डेज आर मोर देन इनफ। उसके बाद आप पुवार, थेकड़ी ये सब घूमना चाहे तो उस तरफ घूमाएं। ओके, अभी मैं भी रूम की तरफ जा रही हूँ, थक गई हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। टिल देन बाय। मैं अभी सीढ़ियों से उतर रही हूँ, ये तो आपको मैंने दिखाना भूल ही गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कैमरा मेरे तरफ भी कर दूँ। और ये देखिए पीछे का नज़ारा, ये जो है ये क्लब महिंद्रा का ऑफिस है, देख सकते हो आप क्लब महिंद्रा लिखा हुआ है।
दिस साइड क्लब महिंद्रा का ऑफिस। यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल सकता है जो अभी अपकमिंग नए खुल रहे हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए या मेंबरशिप आपको लेनी है तो यहाँ आके आप बात कर सकते हैं। अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ अपने रूम के तरफ, और ये देखिए वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है। अगर आप वॉक कर रहे हो तो गर्मी लगेगी, अदरवाइज ठंडी लगेगी। अगर आप कमरे में बैठे हैं चुपचाप, तो यहाँ से देखती हूँ मेन रोड में ये क्या है। यहाँ का सीनिक ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा अपहिल में जाने की कोशिश करती हूँ, ऊपर कभी गई नहीं, डाउन हिल ही गई, आज पहली बार अपहिल जा रही हूँ। पहले सीढ़ियों से गई थी, अब थोड़ा रोड साइड ले रही हूँ। आई थिंक वही जगह है जो आपको मैंने रोड दिखाई थी, ऊपर को जॉइन करता है ये टी गार्डन। यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, यू कैन सी द व्यू लॉन्ग कितनी मेरी आंखों से। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ वही रोड जॉइन होता है जहाँ आपको मैं लेके गई थी। ऊपर शायद मैंने रास्ता भी दिखाया था आपको, ये रास्ता मैंने आपको दिखाया था। सो ऊपर मैं सीढ़ियों के थ्रू गई थी, आप रोड के थ्रू भी जा सकते हो। बस यही है, और काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है। और देखिए पीछे पूरे क्लाउड माउंटेन्स में। এছো কিছু কথা বলো, কেমন লাগছে মুনার? টি গার্ডেনটা দেখেছো? এখনো তো দেখোনি টি গার্ডেন, দেখে নিয়েছো? এটা আমরা এখন খেয়ে দিয়ে ফিরছি, তো খাবার ফটোটা আমি ওখানেই তুলে নিয়েছিলাম। তো এখন এই যে বুড়ি মা আসছে ধরে ধরে, বুড়ি মা সিঁড়ি ধরে ধরে। হ্যাঁ সেটা তো জানি, চলে এসো এসো ধরে ধরে এসো, তোমাকে ধরতে হবে কি? পারবে? আজকে বুড়িমা কি খেয়েছে একটু জিজ্ঞেস করি। ওই ডাইনিং হলে কি খেয়েছো গিয়ে? ডাইনিং রুমে? হ্যাঁ খাওয়ার রুমে তো খেয়েছি, অনেক কিছু খেয়েছি। কি কি খেয়েছো? প্রথমে তো ফ্রুটস খেলাম, হ্যাঁ পাইনাপল, পাপাইয়া। ফ্রুটসে পাইনাপল পাপায়া এসে যায়, তার আগে বল, আসতে থাকো আসতে থাকো।
আপম আপম প্যানকেক সসেজ তারপরে অনেক কিছু স্যুপ টুপ ডোনাট আর ভ্যারাইটিস অফ কেকস আর দুধ হ্যাঁ আর কেমন লাগছে এখানে খুব ভালো আর কালকে আউটিং কেমন ছিল কালকের আউটিং ভালো ছিল একদম মন ভরা ছিল না তার কারণ এখানে কোনো ডান্স প্রোগ্রাম নেই তো তোমার জন্য ডান্স প্রোগ্রাম বলছি করাতে স্পেশালি ভাই আমার মাকে দেখতে আছে হ্যাঁ তো ডান্স প্রোগ্রাম করাও না না একজনের জন্য না করলে ঘাড় ধরে করাবো এবার আপনি বলুন আপনার কিরম এক্সপিরিয়েন্স ইন মুনার অপূর্ব অদ্ভুত অদ্ভুত লিখে হলে ভালো হয় এই লেখার চেষ্টা করছি যখন অবসর সময়ে বসবো তখন যদি কেউ আসে জিজ্ঞেস করে তখন পড়ে শোনাতে আমার ভালোই লাগবে আর যখন যা মনে আসছে সুযোগে সময়ে আমি এটা লিখে রাখার চেষ্টা করছি এত সুন্দর পলিউশন মুক্ত পলিউশন ফ্রি অ্যাটমসফিয়ার আউটিং খুব ভালো লেগেছে আউটিংয়ে আমাদের মনে মতো ড্রাইভারও পেয়ে গেলাম তাই ওকে নিয়ে নিয়ে ঘুরলো আমাদের নিয়ে ঘুরলো আর ভালোই লেগেছে এখনো ভালো লাগার চেষ্টা আরো দুদিন থাকতে হবে দেখি